दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में भव्य स्वागत किया गया तथा मंदिर को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के भी लोग आदित्यनाथ का स्वागत किए और अयोध्या से चलकर भी कुछ संत उनके स्वागत का हिस्सा बने, जिसके संबंध में मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि मंदिरों को जगह जगह पर फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं श्रद्धालु दीपक सिंह ने बताया कि मंदिर में साक्षात भगवान आ रहे हैं। जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी रावण को हराकर अयोध्या वापसी किए थे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में रावण के अत्याचारों को तथा भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके योगी आदित्यनाथ पहली बार मंदिर में आ रहे हैं, इसलिए उनका भगवान की तरह स्वागत अभिनंदन किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। महानगर के एक एक गली और महानगर को भी फूलों से सजाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु दीपक सिंह चौधरी कैफुलबरा तथा मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, हम बिच 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 ब
दीपक सिंह। मंदिर को सजाया गया है, क्या कुछ खास बात है? साक्षात भगवान आ रहे हैं, जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी रावण को हरा कर अयोध्या वापसी किए थे, उसी तरह उत्तर प्रदेश में आज रावण को, अत्याचारियों को, पापाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को परास्त करके पूज्य महाराज जी पहली बार आ रहे हैं, इस नाते उनका भगवान की तरह स्वागत अभिनंदन गोरखपुर की जनता कर रही है। होली भी है, होली की तैयारी हो रही है स्वागत। ये आपने आप में 10 तारीख से आपने देखा होगा, 10 तारीख से ही गोरखपुरवासी होली मना रहे हैं। इस साल की होली बहुत स्पेशल है क्योंकि भगवान श्री राम के अवतार पूज्य महाराज जी गोरखपुर आ रहे हैं। कितने फूलों से मंदिर सजाया गया? बहुत ज़्यादा फूल लगे हैं, इसका मैं तुलना नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजा दिया गया है, एक एक गलियों को फूलों से सजा दिया गया है। ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी फिर दोबारा उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालने के बाद आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, इस खुशी का अंदाजा ही नहीं है। फूल माला लगे हुए हैं, जगह जगह गेट बनाए गए हुए हैं, चारों तरफ खुशहाली में महाराज जी प्रथम बार गोरखपुर पधार रहे हैं। भोज का उत्सव भी है, 2 कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, इस नाते उनकी खुशी में हमारा मंदिर प्रबंधन तैयार किया हुआ है। भगवान गोरखनाथ जी पूजा करेंगे, गेट पर सजाया गया है, सिंह द्वार पर सजाया गया, चारों तरफ आप इसको देख रहे हैं, चारों तरफ सजा करके जो है हम लोग खुशी मना रहे हैं। समाधि पर जाएंगे, जगह जगह जो है यहाँ के कार्यक्रम के बाद फिर वो गुलरियाँ चले जाएंगे, हाथा जाएंगे, कई कार्यक्रम रखे गए हैं। रात में 12 बजे के बाद 1 बजे लगभग होलिका दहन होगा, जिसमें रसूलपुर, पुराना गोरखपुर, हिमाऊपुर, ये सब जनता यहाँ आके होलिका दहन करेगी। इस प्रकार ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। चौधरी कैफुल द्वारा उनको जब पहली मरतबा आए थे तब भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी थी, इस बार तो उससे ज़्यादा खुशी है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि मुस्लिम और सारे धर्म जात के लोगों ने इनको वोट दिया है, किसी ने बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, इसलिए कि इन्होंने विकास किया था उसका ये असर दिखा है कि सारे धर्म जात के लोगों ने इनको वोट दिया है। सुरक्षा तो हमेशा से हम लोग की रही है, वो तो आप जैसे लोग पेपर वाले ही बातों को बढ़ा देते हैं, सुरक्षा तो हम लोग की हमेशा से बनी रही और आज भी बनी है।